हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे WBJEE 2024 का सिलेबस और उससे इम्पोर्टेंट कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें। लेकिन प्रिपरेशन करने से पहले हम ये समझेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। इससे पहले भी एक वीडियो है जिसमें हमने एप्लीकेशन फॉर्म और भी तमाम चीज़ों के बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बात की है, जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात की, एडमिट कार्ड के बारे में बात की है, कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होता है, वो सारी सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यहाँ से कि इसका सिलेबस क्या है, फिर हमारा हम किस तरह से उसकी तैयारी करेंगे, हमें कितना नंबर आना चाहिए, ये सब हम इसके बात करेंगे। तो पहले हम इसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिक टेबल, जो चैप्टर्स हमारे 11th एंड 12th में होता है, बेसिकली वही सारा का सारा चैप्टर, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल डायनामिक्स, लेंथ एंड वाइड सरफेस केमिस्ट्री, ये सारी की सारी हमारी केमिस्ट्री की है। उसी तरह से अगर फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड हो गया हमारा, मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, विस्कोसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, ये तुम्हारा फिजिक्स का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिक्स में है वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन, कैलकुलस, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सेट्स, रिलेशंस एंड मैपिंग, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, पॉलीनोमियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, स्लोप ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड वेक्टर, ये सारा का सारा आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका जो है वो सिलेबस है, ठीक है। अब प्रिपरेशन जो एक ओवरऑल टिप्स होती है उसके बारे में आपको बता दूं कि एक तो टाइम टेबल हर इंसान को होता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको अटेंशन के वजह से पूरा टाइम जो है वो देख करके उसमें पढ़ना है। जैसे कि आपने 5 घंटे या 6 घंटे का स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाया तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम आगे उसको पढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि एग्जामिनेशन का सिलेबस, इसलिए मैंने पहले सिलेबस बताया था, प्रिपरेशन टिप्स बताया। अगर पहले जानना यह है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस हम जानने की कोशिश करेंगे, पिछले क्वेश्चन को देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या लेवल होता है, कितना क्वेश्चन किस लेवल का था। कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मीडियम होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। आपको देखना है कि इस कितने लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, कितने लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो अलग अलग लेवल क्वेश्चन का चेक करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और सैम्पल पेपर जो आता है उसको भी सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सैम्पल पेपर पे भी सॉल्व करना है और कंसंट्रेशन जो है वो आपको बना के रखना है ब्रेक ले लेकर के, कि भाई अभी हमने 2 घंटा पढ़ा तो चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर 2 घंटे पढ़े फिर थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अभी आप कहाँ पे हैं, अभी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप 200 का एग्जामिनेशन होता है, आपको कितना नंबर आएगा ये कैसे पता चलेगा, और आपको अगर कम नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, और आपको ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो कैसे कैसे टिप्स होगा वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम मार्क्स अपना कैलकुलेट करेंगे, तो हम तो कहेंगे भाई हमारा तो 2024 में एग्जाम है, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आप आसपास अंदाज़ा लगा लो कि 5 साल पिछले, जैसे कि 18, 19, 20, 21 एंड 22, ये 5 साल जो आपने पिछला 5 साल का क्वेश्चन आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको अपना मार्क्स कैलकुलेट करना है कि एवरेज मार्क्स क्या है। अगर आपका एवरेज मार्क्स हर क्वेश्चन में 50 से कम जा रहा है या किसी में 50, 60 ऐसे आ रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको अपना बेसिक सुधारना है। इसका मतलब आपके बेसिक में ही प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक पढ़ो, मतलब अगर बेसिक को अच्छे से पढ़ो आपको, या फिर अगर आप बेसिक सिर्फ पढ़े हुए हैं और आपको आगे की चीज़ें को जो अच्छे से करना है, स्टडी पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि आपको मार्क्स जो है बहुत कम आ रहे हैं, 50 पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास जो है वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इम्प्रूव, बेसिक को इम्प्रूव करना है, हर चीज़ों को इम्प्रूव करना है धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम बेसिक को इम्प्रूव करेंगे, जब हम अपने बेसिक को पूरा अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे तब हमारा मार्क्स कहीं ना कहीं 50 से 100 के बीच में चला आएगा। जब हमारा 50 से 100 के बीच में चला आएगा तो हम क्या करेंगे, फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड मोर एंड मोर, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हमारा बेसिक क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, सारी चीज़ें जो है वो सारा का सारा क्लियर है, हमें फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसा होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग एरलेस ले लेते हैं, एरलेस में क्या होता है ना कि पहले 50-60 क्वेश्चन एकदम बेसिक से रहता है, वो बेकार होता है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उसका हॉट्स क्वेश्चन लगाना तो वो अच्छी बात है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन की क्वालिटी यूज़ करनी है। कैसे क्वालिटी यूज़ करेंगे, नीट या जेई या जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम, WBJEE का जो सैम्पल पेपर है उसमें से हम लगाएंगे कि यार ये लेवल का क्वेश्चन आता है, हमें इस लेवल में बनाना, थोड़ा सा हाई लेवल लेकर चलोगे तो थोड़ा सा लो लेवल में फ़ायदा होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट 7 to 8 hours पर डे स्टडींगे तो एकदम कंपलसरी, इससे नीचे तो बहुत मुश्किल है। एंड लर्न द टॉपिक यू डोंट नो, जो टॉपिक नहीं जानते अभी तक, बहुत सारा टॉपिक अभी भी अनकवर्ड है, तो वो टॉपिक को भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे। कि जैसे मान लो फिजिक्स में मुझे 2 चैप्टर नहीं हो पाया, तो उस चैप्टर को हम पहले लेके आएंगे कि हमें ये कंप्लीट करना है, एंड सॉल्विंग क्वेश्चन मोर एंड मोर। अब अगर 100-750 के बीच में मार्क्स आ रहा है, 100-750 में, तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होता है कि ये क्वेश्चन अब मेरा सॉल्व हो रहा है लेकिन सॉल्व होने का जो टाइमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना है ना, उसको कम करना है। कैसे कम करेंगे,
टिप्स एंड ट्रिक्स होता है कि इस ट्रिप से लगाएंगे तो ये फटाक से ये हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन पर टाइम नहीं देना, कैलकुलेशन को हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि भाई अगर 2.21 अगर आ रहा है तो मैं इसको 2 अगर ले सकता हूँ, अगर आंसर मेरा बड़ा बड़ा जैसे 5 आंसर है, 7 आंसर है, 50 आंसर है, 100 आंसर है, तो बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आंसर के बीच में जो ऑप्शन आपका, तो हम 2.21 नहीं लेंगे, हम 2 ऐसा ले सकते हैं ना, इस तरह की चीज़ हम उसमें कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंक्रीज योर स्पीड बाय डूइंग मेनी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की जो स्पीड है वो और बढ़ा देना, क्योंकि अगर मान लो अभी आपका 50 आ रहा होगा तो ये सारी चीज़ें अटेंड करते करते शायद आपका अक्टूबर नवंबर तक आ जाए, तो फिर वहाँ पर हमें क्वेश्चन की स्पीड को और इंक्रीज़ कर देना है। कैपेसिटी ये करना है कि कम से कम भी 160 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है वो अटेम्प्ट होना चाहिए, कम से कम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। और स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है टाइम इनफ रहेगा और आप इनफ टाइम में काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है इस जो हमारा प्रिपरेशन का जो टिप था वो हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट एग्जामिनेशन के साथ। अगर कोई किसी एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।